हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक होममेड रेमेडी बताने वाला हूँ जो है हमारा डीटैन फिश पैक, जिसका मेन इंग्रेडिएंट्स ये हमारा पटैटो रहेगा। तो पटैटो से हम अपना स्किन को डीटैन कैसे कर सकते हैं, क्लीन कैसे कर सकते हैं, हमारा जो भी डार्क स्पॉट है कैसे हटा सकते हैं, इस वीडियो में आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहना, वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं इसका जवाब जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका यूजेस क्या है। तो पटाटो कंटेन क्या करता है? पटाटो हमारा पोटेशियम कंटेन करता है, विटामिन सी कंटेन करता है, आयरन कंटेन करता है और विटामिन बी कंटेन करता है। जैसा हमें पता है कि विटामिन सी हमारी स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है। जो विटामिन बी सिक्स है वो हमारे जो भी एक्ने का जो प्रॉब्लम रहता है इसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, तो ये हमारे ब्राइटनेस में भी काम आ जाएगा। अब चलिए ये हमारे किस चीज़ में हेल्प कर देता है वो हम लोग देखते हैं। ये हमारे एक्ने ट्रीटमेंट के लिए, मतलब जो भी हमारे एक्ने का प्रॉब्लम होता है वो उसको बहुत अच्छा ट्रीट करता है। इसकी जो आँख के नीचे जो डार्क सर्कल हो जाता है इसको बहुत ही अच्छा वो ट्रीट करता है। अगर आप इसके हाफ काट के स्लाइस को रखते हो तो आपके यहाँ जो डार्क सर्कल हो जाता है, जो कम सोते तो डार्क सर्कल हो जाता है, तो इनको वो अच्छे से ट्रीट करके ख़त्म धीरे धीरे कर देता है। वो एक नेचुरल, अगर आप इसका एज ए क्रीम या एज ए फेस मास्क यूज़ करोगे तो ये आपको एक्ट एज ए क्लिनजर भी काम करता है। और ये सबसे जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ये आपको डी टैन, मतलब आपको भी जो टैन हो जाता है, हम लोग जैसे हमारे यंगस्टर में जो जो ज़्यादा प्रॉब्लम है टैनिंग का, मेरा यार मेरा फोरहेड में थोड़ा ज़्यादा टैन हो जाता है, खेलता हूँ बाहर, अब तो यार छोड़ दिया, बस पहले खेलता था तो फोरहेड में कुछ ज़्यादा डी टैन हो जाता, गर्दन एरिया में डी टैन रहता था, देख सकते हो इधर भी अभी भी है, इधर भी, यहाँ पे स्किन देखो, इधर ब्लैक दिखेगा, इधर वाइट दिखेगा, तो ये सब एरिया में हमें डी टैन होता है। तो इसलिए मैं आपको इस प्रोडक्ट का बताता हूँ कि भाई इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे लगाना है, कितने दिनों में यूज़ करना है, कितने बार यूज़ करना है सारा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप इस पटेटो को दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक जो मैं करता हूँ और एक जो मैं नहीं करता हूँ, जो बाकी बहुत लोग करते हैं। तो इसका पेस्ट बना सकते हो आप, इसका पील ऑफ कर दो, इसको काटो और फिर मिक्सी में ग्राइंड करो। आप इसमें लेमन जूस मिला सकते हो, फिर बेसन मिला सकते हो, दोनों दोनों ही आपके स्किन ब्राइटनिंग एक प्रॉब्लम में दोनों में हेल्प करेंगे। ये तरीका होगा, एक जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ मैं आपको वीडियो में बताता हूँ आगे, और एक कैसे तरीके से यूज़ करता हूँ बताता हूँ। मैंने पटाटो का पूरा स्लाइस काट के लिया, जैसा आप देख सकते हो, अच्छे से धो के मैंने इसका स्लाइस काट लिया। इसको आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपके पास टाइम कम है, आपको जल्दी से अपने स्किन को डिटैन करना है, चाहे जो भी करना है, क्लीन करना है, तो आप इसको ऐसे काट लो। उसके बाद आप इसको जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है, फोरहेड हो गया, आपके चिक्स हो गया, आप सब तरफ इसको ऐसे ऐसे लगा सकते हो। अगर आपके डार्क स्पॉट है तो आप वहाँ पे लगाओगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। आपको कम से कम ये 3 मिनट तक यूज़ करना है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देख लो आप, मैंने उसको पूरे चेहरे पे अच्छे से यूज़ कर लिया, तो गर्दन में भी यूज़ कर सकते हो भाई, दूसरे साइड से भी पूरा यूज़ करना है यार। पैसे तो कम लगे हैं बट जो भी लगे हैं तो पूरा ही इसका यूज़ करना है यार। डीटैन क्रीम से तो भाई यही अच्छा है, चीपेस्ट भी है। एक पटेटो का कॉस्ट क्या पड़ता होगा, 1 रुपया, उससे भी कम शायद। तो ये हो गया, चलिए देख लिया आपने मैंने इसको कैसे यूज़ किया। आपको भी सेम तरीका यूज़ करना है, 15 मिनट आप कैसे छोड़ देना, इसका अपने चेहरे को पूरा अच्छे से धो लेना, आप देखोगे कि आपका चेहरा पहले से ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो भाई देख लिया आपने सारा किसको कैसे यूज़ करना है। तो अब सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई इसको कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कितने दिनों में हमारा स्किन पूरा क्लियर हो जाएगा, हमारा टैनिंग जो भी है सारा हट जाएगा। तो भाई आप सबने को सबको पता है कि यार कोई भी चीज़ आप एक बार यूज़ करोगे तो रिजल्ट नहीं देती। आप पढ़ाई भी करते हो तो एक बार पढ़ लोगे तो आपको क्या याद हो जाएगा, नहीं तो आपको भी इसको भी कंटिन्यू अपने लाइफ में यूज़ करते रहना पड़ेगा, लाइफ में डेली बेस पे नहीं। अगर आपका स्किन कुछ ज़्यादा टैन है आप इसको पर एक दिन गैप करके रेगुलर 15 दिन तक यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिख जाएगा। उसके बाद आप
थोड़ा सा गैप टाइम लेके आप इसको यूज करके देखो, और आपका स्किन कम टैन है तो आप इसको मंथली बेस में यूज करो, मतलब मंथ में आप 2 से 3 बार यूज करो, वीक में नहीं तो 1 बार यूज करो, आप देखोगे आपके पूरे टैन क्लियर रहेंगे। अगर आप इसका क्रीम एज अ पेस्ट यूज करते हो तो फिर आप मंथ में सॉरी वीक में 2 बार आप इसको यूज कर सकते हो। आप कोई भी दूसरा फेस पैक की जगह आप इस फेस पैक के साथ जा सकते हो। तो इस टमाटो से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। तो अब बताना मेरे को कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, सॉरी हाँ वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई भी सवाल जवाब हो तो मेरे को कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।